हाय फ्रेंड, आज आपका हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास रेनॉल्ट कंपनी की डस्टर गाड़ी आई हुई है। तो इसका हम आपको आज बताएंगे कि इसका डीजल फिल्टर कहाँ पे आता है और किस तरह उसे रिप्लेस किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, ये जो राइट साइड का फेंडर है, देख सकते हैं, ये राइट साइड का फेंडर है, इसे मडगार्ड कहते हैं। तो इसका जो फेंडर लाइनिंग कवर आता है, उसे आपको ओपन करना पड़ेगा राइट साइड का। ये देख सकते हैं, ये इसका फेंडर लाइनिंग कवर है, जिसे हम ओपन करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो इसके अंदर फ्रेंड आता है, बम्पर और फेंडर लाइनिंग के अंदर। तो हम आपको एक गोला ओपन करके आपको डीजल फिल्टर दिखाते हैं। ये इसका डीजल फिल्टर है, एक कवर है, एक कवर को हम ओपन करेंगे, उसके बाद आपको डीजल फिल्टर दिखाएंगे। फाइनली आप देख सकते हैं, हम इसका कवर बाहर निकाल रहे हैं। ये फ्रेंड इसका डीजल कवर पैकिंग है, कवर बाहर से दिया जाता है कि इस पर मार वार ना लगे करके। देख सकते हैं, इसमें तीन नट आते हैं, 1 2 3, तीनों नट ओपन करके आप कवर को बाहर निकाल सकते हैं। ये आपका डीजल फिल्टर है, इसे हम बाहर निकालेंगे। फिर तो जो डीजल फिल्टर पाइप है, ये जो हरा वाला क्लिप दिख रहा है आपको, एक क्लिप को ऐसा प्रेस करके और उसके बाद इस पाइप को बाहर खींचेंगे तो आपका पाइप बाहर आ जाएगा। हम आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं, हरा वाला जो क्लिप है, हम साफ करके आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, इस तरह से ये फिल्टर पकड़ना होता है। ये देख सकते हैं, एक पाइप हमने बाहर ले लिया है, इसी तरह से हम दूसरा पाइप भी बाहर लेंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें वाइट कलर का प्रेस क्लिप दिया है, ये वाइट कलर के लॉक को आप दबाएंगे, ये भी पाइप आपका इजीली बाहर आ जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड, ये वाइट लॉक को दबाइएगा, इसमें एक वाइट कलर का लॉक है ये वाला, इसको दबा के पुश करके आप एक पाइप बाहर निकाल सकते हैं। देख सकते हैं, तो दोनों हमने पाइप बाहर निकाल लिया है, ठीक है फ्रेंड। और एक बार एक बात को आप केयर कीजिएगा, एक मिनट, ये जो पहला जो पाइप है, ये जो फर्स्ट पाइप, उसमें वाइट कलर का लॉक देता है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। और दूसरा जो पाइप है, इसमें देखिए ग्रीन कलर का लॉक देता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो आपका ये ध्यान देंगे तो आपका पाइप उल्टा सीधा नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड। इसमें आप ग्रीन कलर का पाइप फर्स्ट जो आता है, इसमें ग्रीन कलर का पाइप डालिएगा, इसमें से वाइट कलर का पाइप, ये वाला। तो फ्रेंड, ये डीजल फिल्टर हमने बाहर ले लिया है, अभी जो पाँच एलएमजी ओपन करके हम इसके अंदर का डीजल फिल्टर ओपन करेंगे। तो फ्रेंड, एक बार और हम आप बता देते हैं इस पाइप के बारे में, ठीक है, इस बात को याद कीजिएगा। ये पोजीशन है, सॉकेट जो है आगे के, ये सामने पोजीशन पे आएगा इस तरह, ठीक है फ्रेंड। तो कभी भी अगर आप भूल गए, गलती से पाइप निकाल दिया आपने, ओपन कर दिया, तो ये जो आगे का जो फर्स्ट पाइप है, उसमें आप ध्यान दीजिएगा, जो वाइट कलर का लॉक दिया है प्रेस करने वाला, ये आपके ये पाइप में लगेगा आगे के। और जो सेकेंड जो पाइप में है, उसमें देखिए ग्रीन कलर का लॉक दिया है, जिसे आप प्रेस करके बाहर निकालेंगे। हम आपको दिखाते हैं, देखिए एक ग्रीन कलर का लॉक है, तो ये आपका सेकेंड पाइप में आएगा। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, कभी क्या होता है आप ध्यान नहीं देते, उल्टा पुल्टा पाइप हो जाता है, तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो ये मेन पाइप है, ये रिटर्न पाइप है, ठीक है फ्रेंड। तो मेन पाइप में आपका वाइट वाला पाइप बैठेगा और रिटर्न वाले में आपका ये ग्रीन कलर का लॉक जो है वो पाइप बैठेगा, ठीक है। तो अब इसको हम छुट्टा करेंगे, उसके अंदर का डीजल फिल्टर चेंज करेंगे।
ये इसके 5 एलंकी बोल्ट है, 30-30 के बोल्ट देख सकते हैं। 5 एलंकी का बोल्ट आपको ओपन करना पड़ेगा। फ्रेंड देख सकते हैं, ये हमने बाहर निकाल लिया है। ठीक है, ये रिंग है, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका डीजल फिल्टर है। फाइनली हमने डीजल फिल्टर निकाल लिया है, देख सकते हैं इसका जूना डीजल फिल्टर है। ठीक है, अब हम नया फिल्टर अरेंज करेंगे, फिर आपको नया फिल्टर डालकर फिट करके दिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड, आपको हमने बता दिया ओपन और ओपन करने का तरीका, फिर फिटिंग करने का भी तरीका बताएंगे। फाइनली फ्रेंड, आपको हमने कल डीजल बताया था इसका डीजल फिल्टर रिप्लेस करने के बारे में, तो हम इसका डीजल फिल्टर रिप्लेस कर रहे हैं, तो हमने इसको अरेंज कर लिया, हम आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, ये इसका नया डीजल फिल्टर है। और एक फ्रेंड इसका नया और रिंग देख सकते हैं, ये रिंग कहाँ बैठता है वो हम आपको बताएंगे। जैसा कि फ्रेंड देख सकते हैं, ये जो हिस्सा है ये यहाँ पे बैठता है आपका डीजल फिल्टर प्रेस करने के बाद। तो फ्रेंड ये ज़रूरी है, ये जो रिंग दिया है ये ज़रूरी आपको एक्सचेंज करना, क्योंकि ये देखिए फूक गया है, ये जूना रिंग देखिए बड़ा हो गया है। अगर आप इसको ऐसे ही प्रॉपर फिट करते हैं तो आपको इसका जो डीजल है वो लीकेज होने की संभावना है। तो कभी भी आप अगर डीजल फिल्टर रिप्लेस करेंगे तो इसका रिंग रिप्लेस कर दीजिएगा। देख सकते हैं जूना रिंग है, ये नया रिंग है जो हम इसमें रिप्लेस करने वाले हैं। देख सकते फाइनली फ्रेंड कि हमने इसका रिंग चेंज कर दिया है। और एक फ्रेंड बात है, इस पर आप कभी भी रिंग अगर चेंज करेंगे तो इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा, ताकि आपका इसमें फ्री बैठ सके। ठीक है फ्रेंड, ये तो हमने रिंग भी एक्सचेंज कर दिया है और इसमें थोड़ा ऑयल भी लगा दिया है। अब हम नया फिल्टर इसमें बिठाएंगे, तो देख सकते हैं नया डीजल फिल्टर है। ये जो प्लास्टिक का कैप दिया है इसके साथ में आता है फिक्स, ये निकलता नहीं है, तो ये आपको साथ में ही मिलेगा जब आप एक्सचेंज करेंगे। तो आपको नया डीजल फिल्टर जब अरेंज करेंगे तो ये दोनों साथ में ही आएगा। इसको हम बिठा देते हैं, देखिए फ्रेंड है हमारा डीजल फिल्टर भी प्रेस हो चुका है। अब इसके ऊपर का हम कैप लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा चारों तरफ से प्रॉपर बैठ चुका है। आप कभी भी इसको बिना बिठाए, ये नहीं कि हाँ स्क्रू लगा कर इसको टाइट कीजिएगा, पहले इसको प्रॉपर बिठा लीजिएगा उसके बाद ही इसका स्क्रू फंसाइएगा, नहीं तो आपका रिंग कर सकता है। आप सोचेंगे कि आपका नहीं बैठ रहा है, आप बोर्ड लगा कर उससे सोचेंगे टाइट करके हम चिपका दे, तो ऐसा चिपकेगा नहीं फ्रेंड। सबसे पहले इसको प्रेस कर लीजिएगा, अगर नहीं प्रेस होएगा तो ये सनसी इधर से थोड़ा और इधर पकड़ के सपोर्ट से दबाएंगे आप सेंटर में, तो आराम से बैठ जाएगा इजीली। तो ये आपका नहीं बैठता रहेगा तो ये नहीं कि आप सोचेंगे कि बोर्ड लगा कर हम उसको टाइट कर दें चिपक जाए, तो ऐसा मत कीजिएगा। आप देख सकते हैं हमने बिना बोर्ड लगाए इसको पूरा चिपकाया है, उसके बाद हम बोर्ड लगा रहे हैं।
हमारा डीजल फिल्टर टाइट हो चुका है, तो फाइनली देख सकते हैं डीजल फिल्टर हमने रिप्लेस कर दिया है। ये इसका जूना डीजल फिल्टर है, नया हमने इसमें फिट करके आपको दिखाया ही है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको प्रॉपर से तरीके से फुल टाइट कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ से डीजल लीकेज हो सकता है आपका। तो देख सकते हैं ये चारों तरफ से प्रॉपर हमारा चिपक चुका है, कहीं भी गैप नहीं है। अगर थोड़ा भी गैप रहेगा फ्रेंड तो आप फिर से खोल कर दोबारा उसे फिट कीजिएगा, नहीं तो आपका यहाँ से डीजल लीकेज हो सकता है। और वो जो हमने आपको बताया था कि पहले इसको प्रेस कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसका बोल्ट फंसाइएगा। आप सोचेंगे बोर्ड लगाकर हम टाइट करें चिपकेगा, तो ऐसा मत गलती कीजिएगा। तो फ्रेंड एक हमारा स्विच है वो हम आपको बताते हैं, ये इसका डीजल फिल्टर का सेंसर है फ्रेंड। ये क्या काम करता है, अगर आपके टैंक में समझ लीजिए गलती से पानी आ गया, या कहीं आपने डीजल डाला उसमें अगर पानी आ गया, डीजल कहीं आप टैंक पर भरते हैं पेट्रोल पंप पे, अगर उसने समझ लीजिए डीजल के साथ पानी मिक्स कर दिया, तो ये जो सेंसर है ये आपको उसमें वार्निंग देगा मीटर में कि आपके डीजल फिल्टर में पानी आया है करके। इसके लिए सेंसर रहता है, ये यहाँ पे फिट होता है देख सकते हैं। और फ्रेंड इसको थोड़ा इसको ज़्यादा भी मत टाइट कीजिएगा, नहीं तो टूट भी सकता है। हल्के हाथों से इस तरह टच कर दीजिएगा। तो ये हमारा डीजल फिल्टर फाइनल रिप्लेस हो चुका है, अब हम इसको फिट करके दिखाएंगे। तो ये डीजल फिल्टर हम इसमें फिट करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये सॉकेट आप बिठा लीजिएगा, ये सॉकेट हमने बिठा लिया है। ठीक है, कल हमने आपको बताया ही था, तो देख सकते हैं ये जो वाइट कलर का प्रेस क्लिप है जिसको प्रेस करके आप ये पाइप बाहर निकालते हैं। ये वाला जो पाइप है ये देख सकते हैं, इस पोजीशन में आप रख कर इसको आगे की तरफ बिठा दीजिए, फर्स्ट वाले लाइन में सॉकेट के बाजू में। ये हमने इसमें प्रेस कर दिया, और सेकेंड वाला जो पाइप है देख सकते हैं इसमें हरा कलर का लॉक है, ये देख सकते हैं हरा कलर का लॉक। ये वाला आपका सेकेंड नंबर के पाइप में प्रेस कर दीजिएगा, इसको उल्टा सीधा मत कीजिएगा फ्रेंड, नहीं तो आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों पाइप हमने प्रेस कर दिया है। तो ये डीजल फिल्टर हमारा फिट हो चुका है फ्रेंड। इसके ऊपर कवर है, तो कवर को हम नहीं लगाएंगे। सबसे पहले इस पोजीशन में हम थोड़ा इग्निशन ऑन करके गाड़ी स्टार्ट करके देख लेंगे कि इधर से लीकेज वीकेज कुछ नहीं है ना। अगर हमारा गाड़ी स्टार्ट होता है किसी प्रकार कोई लीकेज नहीं होता है, तब उसका कवर हम लगाएंगे। कवर आपको बताते हैं कहाँ है। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये इसका कवर है, ये ऊपर से ऐसा लगता है, देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है फ्रेंड, ये कवर इस तरह से लगेगा, तो हमें कवर अभी निकालेंगे फिलहाल, क्योंकि हमें इसका लीकेज की टेस्ट करना है। तो हम पहले इसी पोजीशन में गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करके पहले यहाँ से लीकेज चेक करेंगे कि हमारा कहीं से कुछ डीजल का लीकेज नहीं है ना, क्योंकि हम कवर लगा देंगे तो हमें कुछ फिलहाल दिखेगा नहीं। तो उसके लिए हम इसी पोजिशन में पहले गाड़ी स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं, और उसके बाद से फिर फाइनल कवर लगाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसका फिल्टर बिठा दिया है, कुर्ते से फिट कर दिया है। तो इसमें फ्रेंड एक और बात है, इसमें ना फ्रेंड ये देख सकते हैं हैंड पंप दिया है फ्रेंड, ये इधर देता है राइट साइड में हेडलाइट के बाजू में, देख सकते हैं ये इसका पंप है, ये हैंड पंप। इसको जैसा जैसा जितना आप दबाएंगे इसको ऐसा आपको पुश करना पड़ेगा, जैसा जैसा जितना पुश करेंगे इसको पुश करके पूरा हार्ड कर लीजिएगा डीजल फिल्टर कभी भी रिप्लेस करेंगे तो, क्योंकि अगर ये हार्ड नहीं करेंगे तो आपका नोजल जो है लॉक हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको पंप कर करके हार्ड कर लीजिएगा ये पूरी तरह से, आपका जब डीजल फिल्टर में पूरा डीजल भर जाएगा तो आपका जो पंप है पूरी तरह से एकदम हार्ड हो जाएगा। तो उसके बाद ही फाइनली गाड़ी स्टार्ट कीजिएगा, नहीं तो आपका डीजल जो है ये जो नोजल वो लॉक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो देख सकते हैं राइट साइड के हेडलाइट के बाजू में इसका हैंड पंप देता है। एक इसके डीजल टैंक में कोई मोटर नहीं आता है कि आप सोचेंगे इग्निशन ऑन करके और डायरेक्ट डीजल फिल्टर में डीजल भर जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये हैंडपम्प दिया जाता है, जिस गाड़ी में हैंडपम्प देता है फ्रेंड उस गाड़ी में मोटर टैंक में नहीं देता है, हमें हैंडपम्प करके ही डीजल भरना पड़ता है, नोजल से एयर निकालना पड़ता है। तो इसमें भी हैंडपम्प दिया है, रेनॉल्ट कंपनी की डस्टर गाड़ी है,
जिसका हमने डीजल फिल्टर रिप्लेस किया है, और ये जो हैंड पंप के बारे में हम जिसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम पुश कर करके इस पंप को पूरी तरह से हार्ड कर लेंगे, और उसके बाद फिर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो फाइनली हमारा पंप हार्ड हो चुका है, हम पंप कर करके इसको हार्ड कर चुके हैं। अब गाड़ी से हम स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके फिर लीकेज चेक करेंगे। जाइए गाड़ी स्टार्ट कीजिए। देख सकते हैं हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। हमने आपको एक बात बताया था, ये जो हैंड पंप इसको पंप करते रहिए, पंप करके पूरा हार्ड कर लीजिएगा, तब गाड़ी को स्टार्ट कीजिएगा, नहीं तो आपका गाड़ी का नोजल जो है वो लॉक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आपके सामने हमने इसको हैंड पंप को पूरा हार्ड करके और उसके बाद इस गाड़ी को चालू किया है। ये राइट साइड में देख सकते हैं हैंड पंप है, ये हैंड पंप को दबा दबा कर इसको पूरी तरह से हार्ड कर लीजिएगा। और तो अब हम फाइनल इसका लीकेज चेक करेंगे। ये हमारा डीजल फिल्टर का देख सकते हैं, किधर से भी कोई कुछ लीकेज किसका कुछ नहीं है, देख सकते हैं फाइनल एकदम पूरा सूखा हुआ है। अगर कुछ भी लीकेज रहता, रिंग विंग कटा रहता फ्रेंड, तो अभी तक पूरा डीजल फिल्टर से भर गया रहता। ये हमारा नीचे का भी ये स्विच का देख सकते हैं, यहाँ से भी कुछ लीकेज नहीं है, पूरी तरह से सूखा है। ठीक है, तो ये हमारा डीजल फिल्टर रिप्लेस का आज पूरा हो गया है। ठीक है भैया, ये हमारा वीडियो डीजल फिल्टर रिप्लेस का था, जो हमारा पूरा हो चुका है। हमने इसमें आपको ओपन करने का, फिटिंग करने का दोनों तरीका बता दिया है। बस आपको जो मैं हमने बताया था, इस पाइप को बस केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पाइप उल्टा सीधा दोनों में बैठता है। अगर आपने उल्टा बिठा दिया तो आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा और इसका नोजल लॉक हो जाएगा, तो आपको भारी फटका पड़ सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो इतना बात को सिर्फ केयर कीजिएगा। तो अब हम फाइनली इसका कवर लगा देंगे, ये जो कवर है ये देख सकते हैं, ये इसका सेफ्टी कवर है, ऊपर से दिया रहता है ताकि मार वार कुछ ना लगे करके। ठीक है फ्रेंड, इसमें ये कवर अप बिठा के तीन नट आते हैं, तीन नट हम टाइट कर देंगे। ठीक है, तो ये डीजल फिल्टर का हमारा जो वीडियो था पूरा हो चुका है। अगर आज आपको ये रेनॉल्ट गाड़ी की कंपनी है फ्रेंड डस्टर, इसका हमने डीजल फिल्टर रिप्लेस किया था, तो हमने आपको इसको ओपन करने का, फिटिंग करने का दोनों तरीका बता दिया है। अगर आपको ये हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है, आज के वीडियो के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।